सोहन को अपनी माँ से बड़ी कोफ्त होती थी। उसकी माँ का चेहरा आधा जला हुआ था, इसी कारण उसे अपनी माँ को अपने दोस्तों से मिलवाने और उसके साथ बाहर जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। कहीं बाहर जाने पर वो हमेशा अपनी माँ से कोसों दूर होकर चलता था, जिससे लोगों को ये न लगे कि ये औरत उसकी माँ है। एक दिन सोहन स्कूल से घर आया। तू आ गया बेटा, चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। और हाँ, वो तेरी क्लासमेट किशन के मम्मी पापा आए थे। ओहो, उन्होंने क्या कहा? कल शाम को किशन के जन्मदिन की पार्टी है, उसी में तुझे बुलाने आए थे। देख, ये निमंत्रण का कार्ड भी देकर गए हैं। और तुमने ये कार्ड ले भी लिया? अरे, घर के अंदर से ही कह देते कि घर पर नहीं हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें ये चेहरा लेकर उनके सामने जाने की? क्या सोच रहे होंगे कि सोहन की माँ का चेहरा कितना गंदा दिखता है। इसके बाद सोहन वहाँ से पैर पटकता हुआ चला गया। बेचारी उसकी माँ वहीं खड़ी खड़ी आंसू बहाती रही। सोहन अपनी माँ से इतना गुस्सा हो गया था कि वो किशन के जन्मदिन की पार्टी में भी नहीं गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन सोहन अपना टिफिन बॉक्स ले जाना भूल गया। सुबह के 10 बजे। 10 बजने को आए हैं, सोहन अपना टिफिन भी लेकर नहीं गया। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अगर मैं टिफिन लेकर स्कूल जाऊं तो फिर मुझसे गुस्सा होगा। इसी डर और झिझक की वजह से वो उस टिफिन को लेकर स्कूल नहीं गई, लेकिन अंत में अपनी ममता से विवश होकर वो टिफिन लेकर स्कूल पहुंच गई। उस समय सोहन की कक्षा में खेल का पीरियड चल रहा था। माँ को सोहन ग्राउंड में ही अपने दोस्तों के साथ खेलता मिल गया। बेटा सोहन, बेटा सोहन, देख मैं तेरा टिफिन लाई हूँ, आज तू इसे घर पर ही भूल कर आ गया था। सोहन दौड़कर जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और टिफिन लेते हुए कहता है, अरे माँ, तुम यहाँ पर क्यों चली आई? मेरे सारे दोस्तों ने तुम्हें यहाँ देख लिया, अब तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। आज सोहन के सारे दोस्तों ने उसकी माँ का चेहरा देख लिया था। अब सोहन का मन खेलने में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद सोहन जल्दी जल्दी घर आया। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। क्या जरूरत थी माँ तुम्हें स्कूल में आने की? एक दिन टिफिन नहीं खाता तो मर तो नहीं जाता ना? आज सारे स्कूल ने तुम्हारा चेहरा देख लिया, अब सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आज से स्कूल ही नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए ही तेरी माँ इस अनजान शहर में दिन रात लोगों के कपड़े सिल सिल कर पैसे जोड़ रही हूँ। आज से तेरी माँ तेरे दोस्तों या तेरे जानने वालों के सामने नहीं आएगी, मैं वादा करती हूँ। किसी तरह माँ ने सोहन को समझा बुझा कर शांत किया। अपने वायदे के अनुसार सोहन की माँ किसी के सामने नहीं जाती थी। इसी तरह दिन, महीने और साल बीत गए। अब सोहन एक बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन उसकी समस्या वहीं की वहीं थी। आए दिन उसके घर पर कभी उसके ऑफिस के दोस्त और कभी उसके बॉस पार्टी के लिए आए करते थे। उनकी नजर माँ पर ना पड़े, इसीलिए अपनी माँ को वो एक कमरे में बंद कर देता था। बेचारी माँ बंद कमरे में आंसू बहाती रहती थी। एक दिन सोहन ने गुस्से में आकर फैसला कर लिया। देखो माँ, आए दिन मेरे दोस्त यहाँ आते रहते हैं, उनकी वजह से तुम्हें भी कमरे में बंद होना पड़ता है। इस रोज रोज की झंझट से बचने का यही उपाय है माँ कि तुम गांव वापस चली जाओ। वहां हमारा घर तो है ही, तुम वहां चली जाओ, मैं हर महीने तुम्हें खर्चा भेज दिया करूंगा। माँ का दिल सोहन की बातें सुनकर अंदर ही अंदर रो रहा था, मगर अपने होठों पर बनावटी हंसी लाकर वो बोली, ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हें बड़ा आदमी बनते देखना था सो देख लिया, तुम बस हंसी खुशी से रहना। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को गांव के लिए रवाना कर दिया। इस घटना के कुछ महीनों के बाद गांव से एक तार आया। सोहन ने तार खोलकर देखा, उसमें उसकी माँ की मौत की खबर थी। उसका क्रियाकर्म करने सोहन गांव गया। वहाँ वो अपनी माँ की चिता के पास बैठा था, तभी गांव के एक व्यक्ति ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, काकी बड़ी ही नेक दिल इंसान थी, उसके मन में किसी के लिए भी खोट नहीं था। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद काकी ने ही मुझे माँ का प्यार दिया था। जब अनाथ बच्चे के लिए इतना कुछ किया है उन्होंने, तो सोचो उन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? ये कि इस देवी ने बचपन में तुम्हें बचाने के लिए खुद ही चेहरे को जला लिया और चुपचाप लोगों की नफरत सहती रही। ये सुनकर सोहन को बहुत गहरा झटका लगा। उस व्यक्ति ने अपना बोलना जारी रखा, तुम 2 साल के थे जब खेलते खेलते तुमने चूल्हे की लकड़ी निकाल ली। इससे पहले कि गरम चूल्हे पर रखी गरम कढ़ाई तुम पर आ जाती, उससे पहले ही तुम्हारी माँ खुद आगे आ गई। इससे तुम्हें कुछ नहीं हुआ,
लेकिन गरम तेल से बेचारी काकी का आधा चेहरा और आंख जल गया। सोहन को जैसे ये बात पता चली, सोहन फूट फूट कर रोने लगा। माँ का क्रियाकर्म अच्छे से करवाने के बाद उसने अपने माँ के नाम की एक समाधि बनवाई, जिस पर लिखा था, ये समाधि ममता की उस देवी की है जिसके प्यार के सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ जाती है। लेकिन कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जो इस प्यार को जीवन भर समझ नहीं पाते। कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही थी। अभी शाम के लगभग 6 बजे थे। विपुल अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकला। क्या हुआ विपुल, रुक क्यों गए? अरे यार, जूतों में मिट्टी लग गई है। आ जरा, वो सामने पॉलिश वाला बैठा है, उससे जूते पॉलिश करवा लेता हूँ। ए पॉलिश वाले, मेरे जूतों पर मिट्टी लग गई है, जरा अच्छे से चमका देना। लाओ बेटा, मैं अच्छे से पॉलिश कर दूंगा। एक सेकंड, ये बेटा किसे बोला है? तुम जूते चप्पल ठीक करने वाले भी रिश्तेदार बनकर ज्यादा पैसे ऐंठने की सोचते हो, जल्दी से पॉलिश कर दो। वैसे यार रोहित, सामने गर्मा गर्म भुट्टे का ठेला देखकर मुंह में पानी आ रहा है यार। ये कड़ाके की सर्दियों का अलग ही मजा है ना। बढ़िया बढ़िया स्वेटर और जैकेट पहनो, सर्दियों में खाने पीने की गर्म गर्म चीजों का आनंद ही कुछ और है। जा जरा ठेले वाले से 2 गर्म गर्म भुट्टे लेकर आ जा। ये जूते पॉलिश हो गए हैं। तुम लोग जितना मर्जी कमा लो, रहोगे भिखारी ही, ठंड लगती रहेगी पर अपने लिए एक स्वेटर नहीं खरीदोगे। यही फटी चादर लपेटे फुटपाथ पर ही पड़े रहते हो। लाओ जूते दो, ये लो 5 रुपए। 5 रुपए पर इन जूते पॉलिश के तो 20 रुपए हुए। आपने डबल पॉलिश लगाने को बोला था। दिमाग खराब है क्या है? 20 रुपए? 2 रुपल्ली की तेरी पॉलिश की डिब्बी नहीं है और 20 रुपए मांग रहा है? ये 5 रुपए रखने हैं या ये भी वापस जेब में डाल लूं? बेचारा बूढ़ा मोची क्या कहता, चुपचाप 5 रुपए रख लेता है क्योंकि उसे अपने परिवार का गुजारा करना था और उसके लिए उस 5 रुपए की ही बहुत बड़ी कीमत थी। विपुल अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। वो एक अमीर लड़का था, उसके दिल में किसी गरीब के लिए दया नहीं थी। उस बूढ़े मोची का नाम रामेश्वर था। वो अपने घर पहुँचता है। क्या बात है, मालती किशन अभी तक घर नहीं आया? बस आते से अपने पोते का जब तक मुंह ना देख लो तुम्हें चैन नहीं आता। क्या करूं मालती, बेटे बहू के गुजर जाने के बाद किशन हम दादा दादी की जिम्मेदारी है, पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। दादा, फिर आपने अपना मन खराब कर लिया, जाओ मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। किशन, अरे तू नाराज क्यों होता है? अच्छा ले, मैं मन नहीं खराब कर रहा, आजा दोनों साथ में रोटी खाते हैं। दद्दा, अब तो मैं 12वीं पास कर चुका हूँ, अब तो मैं भी कुछ वक्त में नौकरी करना शुरू कर दूंगा, फिर हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। बस तू पढ़ लिख जाए और तू जीवन में कुछ बन जाए, हमारी तो यही इच्छा है बेटे। दद्दा, मैंने वो ओबीसी का फॉर्म जमा किया था ना, उसके आधार पर मुझे एक कॉलेज में दाखिला मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अगले दिन किशन कॉलेज पहुंचता है। उसका ओबीसी के तहत अच्छे कॉलेज में नाम आ जाता है। विपुल भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। यार विपुल, आज ठंड कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? तेरा ओवरकोट तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया कैसे नहीं होगा, डैडी विदेश से लाए, यहाँ के हिसाब से पूरे 50,000 का ओवरकोट है। ओए अंधा है क्या है, दिखाई नहीं देता? सारी कॉफी मेरे कोट पर गिरा दी, तू नहीं बचेगा। जी मेरी गलती नहीं है, वो कुछ बच्चे अचानक से बास्केटबॉल लेकर भाग रहे थे, वो टकराए तो आप पर गिर गई। देहाती गवार लड़के, तुझे पहले तो इस कॉलेज में नहीं देखा। अरे विपुल, ये कुछ गरीब बच्चों को जो हमारे स्कूल में हर साल दाखिला मिल जाता ना, ये उन्हीं में से एक है। अच्छा, गरीब वर्ग के लोग जिन पर कॉलेज दया करके एडमिशन दे देता है। शायद इसने कभी ओवरकोट तो क्या, एक ढंग का स्वेटर भी नहीं पहना होगा। स्वेटर में एयर कंडीशनर भी लगा रखा है, इसके स्वेटर में ये छेद देख, ये इसीलिए बने। स्वेटर में छेद वाला डिजाइन तो पहली बार देखा है। चल यार रोहित, कैंटीन से टमाटर सूप पीने चलते हैं, गरम गरम टमाटर सूप का अलग ही मजा है ठंड के दिनों में, चल। किशन क्लास में आ जाता है, वो विपुल की बातों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन किशन कॉलेज से घर की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा विपुल किसी लड़के की पिटाई कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना अमरूद का ठेला मेरी गाड़ी के आगे से निकालने की? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरे डैडी एक जाने माने बिजनेसमैन है, अगर मैं चाहूँ तो तेरी रोजी रोटी अभी बंद करवा सकता हूँ, फिर भूखा मरना। भैया वो सड़क पर जाम है, इसलिए ऑटो वाला तेजी से निकल रहा था आगे, मैं तो बस उसे जगह दे रहा था, मैंने जानबूझकर आपकी गाड़ी के आगे ठेला नहीं किया।
एक तो गलती करता है, हैं? ऊपर से जुबान लड़ाता है, हैं? गरीब कहीं का, बात तो तुझसे हो नहीं रही, ठंड में ठिठुर रहा है और मेरे सामने खड़ा होगा, पहले मेरे सामने खड़े होने की औकात तो बना ले। विपुल इसे छोड़ दो, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बेचारा मजदूर है, इसे चोट लग जाएगी। ले आ गया एक और गरीब दूसरे गरीब की हिमायत के लिए। चल रोहित किसी कॉफी शॉप में चलते हैं, वहाँ गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे, सारा मूड खराब कर दिया। मेरा अमरूद का ठेला गिरा गया, किसी से उधार पर अमरूद खरीद के लाया था, कैसे भरपाई करूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो सारे अमरूद खराब हो गए, आज एक रुपए की भी कमाई नहीं हुई, मैं क्या करूंगा। बेचारे गरीब ठेले वाले के सारे अमरूदों का नुकसान करके विपुल अपनी राह चला गया। क्या मिला किसी गरीब का नुकसान करके, मैं इस बेचारे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, काश मैं इसकी मदद कर सकता। शुक्रिया भैया, आज आप नहीं होते तो वो मुझे जान से ही मार देता। तुम ठंड से कांप रहे हो, ये स्वेटर पहन लो। किशन अपना स्वेटर ठेले वाले को पहना देता है। किशन गरीबी का दुख जानता था, इसीलिए उसे इस बात का एहसास था, वो उस ठेले वाले की मदद करना तो चाहता था पर उसके पास खुद ही पैसे नहीं थे। विपुल को जरा सा भी दुख नहीं था कि भरी सर्दी के दिनों में एक गरीब बेचारा पुरानी फटी कमीज पहन कर अपने घर से कमाने के लिए निकला है। परिवार को पालने के लिए उसके पास अमरूद के ठेले का ही सहारा था जिससे वो कमाई करके दो वक्त की रोटी जुटा पाता, पर उसने उसका सारा नुकसान कर दिया था। किशन घर पहुंचता है तभी रामेश्वर भी आ जाता है। किशन तुम्हारा स्वेटर कहाँ गया, सुबह तो तुम पहन कर गए थे। दद्दा वो किसी ठेले वाले को बहुत ठंड लग रही थी, वो ठंड से कांप रहा था तो मैंने उसे दे दिया। किशन बेटा तेरे पास तो एक ही स्वेटर था बेटे। कोई बात नहीं, ये ले तू ये स्वेटर पहन ले ले, आज जब काम पर गया था तो वहाँ पर कोई बड़े सेठ स्वेटर और कंबल बांट रहे थे तो उन्होंने मुझे ये एक स्वेटर और कंबल दिया, भला हो उन सेठ का, अब ये स्वेटर तुम्हारे काम आ जाएगा किशन। पर दद्दा तुम्हारे पास भी तो कोई स्वेटर नहीं है ना, ये स्वेटर तुम पहन लो। अरे मेरे पास तो वो काली जैकेट है जो पिछले साल मिली थी, मैं तो वही पहन लूंगा, वो बड़ी गर्म है, तू ये पहन ले बेटा। रामेश्वर को स्वेटर और कंबल मिलना इत्तेफाक नहीं था, बहुत लोग होते हैं जो मदद के लिए सदैव आगे रहते हैं और ये अच्छी कोशिश है कि किसी को ठंड में कंबल और स्वेटर बांटना बहुत ही पुण्य की बात है। किशन ने गरीब ठेले वाले को स्वेटर दिया और बदले में भगवान ने सेठ के रूप में पहुंचकर रामेश्वर को एक नया स्वेटर दे दिया। अगले दिन जब किशन कॉलेज पहुंचता है, डॉक्टर ने बताया है विपुल को ठंड लग गई है और जिसकी वजह से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है और अगले 10 दिन बाद फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। कितनी भयंकर ठंड पड़ रही है, क्या जरूरत थी इसे रात भर पार्टी में रहने की, ठंडी हवाओं से बीमार पड़ गया ना, और ये तो यहाँ दिल्ली में अकेला ही रहता है, इसके मम्मी पापा तो राजस्थान रहते हैं। अरे विपुल को ठंड लग गई है और वो अकेला रहता है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए, रोहित क्या तुम मुझे विपुल के घर ले जा सकते हो। किशन रोहित के साथ विपुल के घर जाता है। विपुल की हालत बहुत खराब थी, वो उठ भी नहीं पा रहा था, उसे बुरी वाली ठंड लगी हुई थी, खांसी जुखाम बुखार सिर में दर्द और आंखें लाल हो रही थी। रोहित किशन तुम दोनों, किशन ने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। विपुल तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए तुलसी अदरक वाली चाय बना लाता हूँ और हर एक घंटे में तुम्हें भाप भी लेनी होगी ताकि ठंड तुम्हारे शरीर से बाहर आ सके। ये अदरक और तुलसी वाली चाय पीकर तो शरीर को बहुत आराम मिला है किशन, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो और मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है तुम्हारा, फिर भी तुम मेरे लिए आए हो। बस बस ज्यादा मत बोलो और सोने की कोशिश करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्म गर्म खिचड़ी तैयार करता हूँ। किशन का इतना प्रेम भरा बर्ताव देखकर विपुल सच में बहुत शर्मिंदा था, जिस किशन का वो अपमान कर रहा था आज वही किशन उसकी पूरे दिल से सेवा कर रहा था। अगले दिन तक विपुल की तबीयत में बहुत सुधार आ जाता है, उसके मम्मी डैडी भी उससे मिलने आते हैं। मम्मी ये किशन है, आज इसी की वजह से मेरी तबीयत में बहुत सुधार आया है, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ठंड लगने पर क्या करना चाहिए, मैं तो वही स्वेटर और जैकेट पहनकर ठंड को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इसने मुझे तुलसी अदरक की चाय और गरम गरम खाना खिलाकर मेरी तबीयत में सुधार ला दिया, ये बहुत अच्छा है मम्मी।
किशन से मिलकर विपुल के मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद विपुल की तबीयत में बहुत सुधार आ जाता है और वो परीक्षा की तैयारी भी कर लेता है। एक दिन किशन विपुल को अपने दादा दादी से मिलवाने घर लेकर जाता है। किशन के दादाजी को देखकर विपुल को सिनेमा हॉल के बाहर की सर्दी की वो शाम याद आ जाती है और विपुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो शायद आज पश्चाताप से भरे हुए थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।